मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। तो भारतीय भोजन करिए, भारतीय भाषा माने पंजाबी आपकी मातृभाषा है, इसका सदुपयोग करिए। ज्यादा है तो हिंदी उपयोग करिए, और ज्यादा है तो संस्कृत उपयोग करिए। ज्यादा अंग्रेजी में मत फंसिए, और फालतू अंग्रेजी तो कभी भी मत बोलिए। दूसरों पर रौब झाड़ने के लिए अंग्रेजी तो बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि ये गुलामों की भाषा है। गुलामी गई, 60 साल हो गया, अभी क्यों उसको याद दिला रहे हैं बार बार अंग्रेजी बोल बोल के। तो आप कहेंगे जी अंग्रेजी तो अंतरराष्ट्रीय भाषा है, ये बिल्कुल झूठ बात है। दुनिया में 200 देश हैं, मात्र 7 देशों में अंग्रेजी चलती है, 193 देशों में उनकी अपनी भाषाएं चलती है। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, स्वीडन में स्वीडिश है, हॉलैंड में डच है, रूस में रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है, सब देशों की अपनी भाषा है। और इन देशों में मैं सब जगह देख के आया, उनकी शिक्षा जीवन में छोटे से लेकर उच्चतम सब मातृभाषा में है। आपको मालूम है रूस के सभी मेडिकल कॉलेज रशियन में काम करते हैं, रूस के इंजीनियरिंग कॉलेज में रशियन पढ़ाया जाता है, फ्रांस के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फ्रेंच में पढ़ाया जाता है, फ्रांस के मेडिकल कॉलेज में फ्रेंच में पढ़ाया जाता है, वहां के जो मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन है वो भी फ्रेंच में पढ़ाते हैं। फ्रांस मुश्किल से 5 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन कभी भी अपनी भाषा नहीं छोड़ता। हम 110 करोड़ वाले अपनी भाषा क्यों छोड़ बैठे? खुमारी लाइए मन में भाषा के प्रति, भाषा मत छोड़िए अपनी, भाषा मत छोड़िए, भोजन मत छोड़िए अपना, भजन मत छोड़िए अपना। भारतीय भजन, ये रैप म्यूजिक पॉप म्यूजिक कहां फंस गए इसमें? रैप डांस पॉप डांस मुझे तो समझ में नहीं आता उसमें डांस है कि एक्सरसाइज है। कभी टांग इधर उठा दिया, कभी इधर उठा दिया, कभी हाथ ऐसे कर दिया, कौन सा डांस उसमें हो रहा है? आपके पास कोई कमी है भारतीय नृत्यों की? भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, कथक है, कुछ कमी तो नहीं है? इतने अच्छे डांस है। और भारतीय डांस की विशेषताएं जरा समझ लीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये कितने वैज्ञानिक तरीके से विकसित किए हुए हैं। भारतीय डांस में सबसे महत्वपूर्ण है पद संचालन, पांव का मूवमेंट, जो दुनिया के किसी भी दूसरे डांस में नहीं। और पद संचालन इसलिए महत्वपूर्ण है कि पद के संचालन से बॉडी का बैलेंस बनता है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और थोड़ा कथक में आए, इनकी भाव भंगिमाओं को देखें तो अगर महिलाएं इस डांस को कर रही हैं तो जीवन पर्यंत निरोगी रहने की आश्वस्ति है, गारंटी है। कैसे? भरतनाट्यम की मुद्रा देख लीजिए, पांव को जिस तरह से रखा जाता है, जिस तरह से हमारे देश की माताएं बहनें भरतनाट्यम में अपने पांव को संचालित करती हैं, एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको कहता हूं वो सभी माताओं के गर्भाशय को सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है पद संचालन। और मां का गर्भ स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी में से जीवन आगे बढ़ता है। वो जितना फ्लेक्सिबल होगा, मां की आने वाली संतान उतनी अच्छी होगी। तो सारे डांस का पद संचालन गर्भाशय के मूवमेंट से है, बहुत रिसर्च है इस पर भारत में। यूरोप का पद संचालन तो पता नहीं किस तरह का है, ये अमेरिका का तो और भी विचित्र है। तो अपने डांस मत छोड़िए, अपने भजन मत छोड़िए, अपनी भूषा मत छोड़िए, अपनी भाषा मत छोड़िए, अपना भोजन मत छोड़िए, अपनी औषधि भी मत छोड़िए। औषधि से मतलब भारत में है तो भारतीय औषधियों का उपयोग करिए, क्योंकि भारतीय औषधियों का उपयोग जो है वो आपके लिए मुफीद है। कारण, हम जहां रहते हैं वहां समशीतोष्ण जलवायु है, इसका ध्यान रखिए। यूरोप और अमेरिका वाले जहां रहते हैं वो वहां बहुत ठंड है, वहां दो ही मौसम होते हैं, ठंड और भयंकर ठंड, गर्मी नहीं आती वहां पे। ब्राजील और मैक्सिको की तरफ चले जाए ना तो वहां भी दो ही मौसम है, बारिश और भयंकर बारिश। ब्राजील और मैक्सिको में 8-8 महीने बारिश होती रहती है, रुकती नहीं है, टॉरेंशियल रेन। तो वहां बारिश और भयंकर बारिश, यूरोप में ठंड और भयंकर ठंड। अगर अफ्रीका में चले जाइए तो गर्मी और भयंकर गर्मी। किसी भी देश में तीसरा मौसम ही नहीं है, ये भारत अकेला देश है जहां 6 मौसम है और 16 क्लाइमेटिक जोन्स है। दुनिया में विचित्र है ये देश। भारत के बारे में तब मुझे ज्यादा पता चला जब मैंने विदेशों में घूमना शुरू किया। भारत में आप दुनिया का कोई भी मौसम देखना चाहें तो इस देश की सीमा में ही है। आपको स्विट्जरलैंड की बर्फ देखनी है, जम्मू कश्मीर में आ जाइए। आपको ब्राजील और मैक्सिको की बारिश देखनी है तो चेरापुंजी में आ जाइए। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दलदल देखना है तो उड़ीसा और बंगाल में आ जाइए। अगर आपको अफ्रीका का रेगिस्तान देखना है सहारा, तो जैसलमेर में आ जाइए। अगर आपको
चिलचिलाती हुई धूप देखनी है तो कर्नाटक में कुर्ग आ जाइए। आपको दुनिया के सबसे अच्छे सुनहरे जंगल देखने हैं तो डेकन के ट्रैक पर आ जाइए। सब कुछ इस देश में है। मुझे यह समझ में आया, दुनिया के 16 क्लाइमेटिक जोन्स इस देश में हैं, बाकी सभी देशों में 2 या 3 ही क्लाइमेटिक जोन्स हैं। इसलिए शायद भगवान को भी भारत में जन्म लेने की इच्छा रहती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।